नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रतीक्षा यादव और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए जय सागर पर पीपल के वृक्ष को सजाने सवारने आए पुष्पेंद्र यादव। 4 वर्ष पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे में थी और उनके मुख्यमंत्री युवा अखिलेश यादव हुआ करते थे, एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नजर चरखारी के तालाबों के तिलसम पर पड़ी तो उन्होंने बुंदेलखंड के कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी के तालाबों को सजाने संवारने का संकल्प लिया और तालाबों के पुनरुद्धार के लिए युद्ध स्तर पर तालाबों की खुदाई करवाई, जिससे इन तालाबों में जल संचय पर्याप्त मात्रा में हो सके। उन्होंने खुदाई के आदेश करते हुए यह भी कहा था कि मैं बारिश होने से पहले इन तालाबों की खुदाई का कार्य स्वयं देखूंगा। और उन्होंने अपने दूसरे भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कराया और एक पीपल का वृक्ष स्वयं अपने हाथों से रोपित किया। उनके द्वारा रोपित यह पीपल का वृक्ष अब तरुण अवस्था में है और पहुंचकर इठलाने लगा है। पर्यावरण दिवस के मौके पर पुष्पेंद्र यादव ममनाथ सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए इस वृक्ष की स्वयं अब और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर सेवा की और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा रोपे गए पौधे की छांव में पत्रकार वार्ता भी की। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री ने तालाबों के साथ चरखारी को मॉडल सिटी का भी दर्जा दिया है। इससे मालूम होता है कि उनकी नजर में चरखारी एक महत्वपूर्ण जगह है। पुष्पेंद्र यादव के साथ जिला उपाध्यक्ष करण राजपूत, जितेंद्र यादव, विकल्प यादव, सईन, दानिश खान सहित लगभग एक दर्जन कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। रिपोर्टर हेमंत कुमार की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हम सब लोग समाजवादी तमाम हमारे नगर के सरकारी नगर के लोग यहाँ पर आकर के 5 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हमारे नेता, देश के सबसे लोकप्रिय नेता समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान उस टाइम पर जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आकर के इस वृक्ष को लगाने का काम किया थे अपने हाथों से। आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने आकर के उस वृक्ष को बढ़िया तरह से पानी भी लगाने का काम किया, खाद डालने का काम किया और बस यही जो उनका संदेश है कि पर्यावरण का संरक्षण किस तरीके से हो, केवल और केवल वृक्ष लगा करके प्रकृति को बचाया जा सकता है, दुनिया को बचाया जा सकता है।